मैं हूं शेफ धीरज और आज इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टिनेंटल कॉमी वन खाना बनाने के अलावा क्या क्या काम करता है। काम तो बहुत सारे हो सकते हैं बट यहां पे मैंने सिर्फ 6 पॉइंट मैंने यहां पे लिखे हैं ताकि आप लोग भी अगर कॉमी वन हो तो ये सारे के सारे काम अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करने लग जाओ ताकि आपको इसके रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट का मतलब है आपकी प्रमोशंस, तनख्वाह बढ़ना, ठीक है जी। ये सब चीज़ें ही जब आप अप्लाई करते हो तब जाके आपको इनका रिज़ल्ट मिलता है। अब यहाँ पे जो कॉमी वन है कॉन्टिनेंटल स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, और जो कॉन्टिनेंटल कॉमी वन होगा वो कहाँ पे काम करेगा, या तो वो काम करेगा पेंट्री में, किसी कॉफ़ी शॉप में, एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के अंदर, या फिर हमारे बल्क किचन या बैंक्वेट किचन के हमारे कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो इन जगहों पर ही काम करेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है वो लिया है कुकिंग। तो कुकिंग तो आपको करनी ही करनी है, कुकिंग आपका एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है, आपका एक स्किल हो जाता है। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है हमारे शिफ्ट हैंड ओवर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, शिफ्ट हैंड ओवर का मतलब है कि अगर आप एज अ कॉमी वन मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हो या फिर अगर आप आफ्टरनून शिफ्ट कर रहे हो, नाइट शिफ्ट कर रहे हो, तो आपको जो अपनी आने वाली शिफ्ट है उसको हैंड ओवर देना है। अब हैंड ओवर किस चीज़ का होगा, हैंड ओवर होगा आपके मीज़ा का कि भाई आपने जो भी मीज़ा ख़त्म हुआ है वो प्रिपेयर कर दिया है। जैसे कि अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो मॉर्निंग में कॉफ़ी शॉप में अगर ब्रेकफास्ट लगना है तो आपने सारे का सारा बूफे पूरा सेटअप कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अगर मीज़ा प्लस करने हैं, जो भी आपके सुपरवाइजर्स के द्वारा, आपके CDP या सूशेफ के द्वारा चीज़ें पहले से ही तय की जाती है कि भाई ये शिफ्ट वाला ये काम करेगा, वो सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। इसके अलावा आपको अरेंज करने होते हैं अपने रॉ मटेरियल्स, ठीक है जी। किसी स्टोर से कुछ लेके आना है, किसी स्टोर से कुछ लेके आना है, ठीक है, कहीं से मीट लाना है, कहीं से सब्जियाँ लानी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप अरेंज करके रखते हो और इसको ही आप बोलते हैं हैंड ओवर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप 7 से 4 की ड्यूटी कर रहे हो तो 4 बजे आप निकल जाओगे, अगर आप कॉमी 3 है तो आप चुपचाप से निकल सकते हैं, ठीक है जी, कॉमी 2 हो तब भी निकल सकते हैं, बट कॉमी 1 एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो एक तरीके से सुपरवाइजरी लेवल ही होता है, तो आपको शिफ्ट हैंडओवर देना आना चाहिए और ये आपको आपकी डेली हैबिट्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे थे तो प्रॉपरली इंक्लूड कीजिए और जो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट का कॉमी 1 है उसको प्रॉपरली इस तरीके से प्रोफेशनल वे में ट्रीट करना शुरू कीजिए कि भाई मैं आपको हैंड ओवर दूंगा। अगर कंपनी में अगर नहीं भी हो रहा है, अगर आपके सीनियर्स नहीं भी करवा रहे हैं, तो आप बोलिए कि भाई मैं आपको हैंड ओवर दूंगा, आप दूसरे को हैंड ओवर दीजिए, आप आपस में ये सारी चीज़ें करिए और देखिए आपका ऑपरेशंस बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस किचन हाइजीन, ठीक है जी। यहाँ पे बेस्ट मैं आई थिंक मुझे और ऐड करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ किचन हाइजीन। किचन हाइजीन का मतलब है कि आपको अपने किचन्स को साफ़ सुथरा रखना है, आपके डस्टबिन खाले होने चाहिए, ढके होने चाहिए, आपके जो स्टोर्स के अंदर, किचन के अंदर स्पेशली आपके जो लीफो और फीफो अपनाया जाना चाहिए, आपके जो टैक्स होते हैं वो लगे होने चाहिए, उन पर एक्सपायरी डेट लगी होनी चाहिए, आपके जो फ्लोर्स हैं वो साफ़ होने चाहिए, जो ऊपर की सरफेस है वो साफ़ होनी चाहिए, चॉपिंग बोर्ड साफ़ होने चाहिए, बर्तन हमेशा उल्टे रखे होने चाहिए, हर चीज़ ढक के रखी होनी चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी होती है क्योंकि जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपके नीचे जो कॉमी 3 है, कॉमी 2 है या कोई ट्रेनिंग वगैरह आते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ भाई जो हमारे सुपरवाइज़र हैं, हमारे सीनियर हैं, ये सारी की सारी हाइजीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अच्छा होता है हमारी खुद के लिए भी, कंपनी के लिए भी, ठीक है। और ये एक तरीके से बोल सकते हैं गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत ही आता है। दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आपकी सेल्फ ग्रूमिंग भी हो सकती है कि आपको खुद भी साफ़ सुथरा रहना है, रोज़ नहाना है, नेल्स कटे होने चाहिए, साफ़ यूनिफॉर्म पहननी है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म गंदी हो जा रही है तो चेंज कर देना है। जूते आपको बिना स्लिपरी वाले पहनने हैं, ठीक है जी, एंटी स्किट वाले पहनने हैं, काले पहनने हैं, सॉक्स पहन के रखने हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है और जो कि हमारी बेस्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस के अंदर आती है, पर्सनल और किचन। इसके बाद चौथा है यहाँ पे हमारे फिलिंग किचन लॉक्स। किचन लॉक्स का मतलब होता है किचन के अंदर आपके कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके फ्रिज के टेम्परेचर हो गए, फ्रिजेस के टेम्परेचर हो गए, अगर आप कुछ सामान रिसीव कर रहे हो, ठीक है, उसका हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो लीफो फीफो हो गए, आपकी रिक्वेजिशंस हो गई, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। अधिकतर देखा जाता है कि हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं यार CDP कर लेगा या किसी ट्रेनिंग को लगा लेते हैं, बट एक्चुअली में ये कॉमी वन का काम होता है क्योंकि आप शिफ्ट के इंचार्ज होते हो,
आपको ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आदत के अंदर आ जाता है वो, और उसके बाद आप इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें नहीं करने का मतलब कि जैसे आप अगर इसके बाद अगर आप CDB बन जाते हो, DCDB बन जाते हो, तो आपको ये अच्छा ही नहीं लगता है। बट अगर आपको एक अच्छा बड़े लेवल का शेफ बनना है, एग्जीक्यूटिव शेफ करना है, अपने बिजनेस करना है, कॉर्पोरेट शेफ बनना है, GM बन रहा है, उससे ऊपर जाना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अभी से ही अपनी डालनी पड़ेगी। आपको लिखने की प्रैक्टिस, लॉग भरने की प्रैक्टिस, ये सारी की सारी चीज़ें करनी होगी। अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हो तो आपको आप इतने आगे जा सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपनी कला को डिग्रेड करते जा रहे हो। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट आता है वो आता है हमारा इक्विपमेंट मॉल फंक्शनिंग रिपोर्ट। अब ये क्या है, ये एक तरीके की रिपोर्ट होती है जिसमें कि अगर कोई भी इक्विपमेंट, किचन इक्विपमेंट ख़राब हो रहा है या किसी भी प्रकार की मशीनरी, जैसे हमारे माइक्रोवेव हो गए, हमारे फ्रिज हो गए, फ्रिजर्स हो गए, सैंडविच ग्रिलर्स हो गए, ठीक है, कॉफ़ी मशीन हो गई, कोई बल्ब कहीं से टूट के गिर गया है, AC नहीं चल रहा है, ठीक है ना, या किसी भी प्रकार की चीज़ें, लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, ठीक है, ज़मीन जो आपका जो फ्लोर है वो टूट रहा है, तो इन सब तरीके की चीज़ों को आपको रिपोर्ट करना है। अधिकतर देखा जाता है Comi 3, Comi 2, 1 हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ये ना बताएं, अपने सुपरवाइज़र को ना बताएं, उसे ना पता चले, नहीं तो हम पे ब्लेम आ जाएगा कि भाई मैं इसने तोड़ा है, इसकी शिफ्ट में टूटा है, और उसके पैसे वैसे काट लेंगे। ऐसा भी कई सारी कंपनीज करती हैं, बट एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, उसका एक अलग सिस्टम होता है, कभी वो भी डिस्कस करेंगे। बट आपको ये सारी की सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो चीज़ें छोटी है, मान लीजिए कहीं पे आपने देखा कि भाई कहीं पे बिजली के तार जल रहे हैं और आप उसको इग्नोर करके जा रहे हो, या आपका इक्विपमेंट है, ठीक है, उस पे करंट आ रहा है, तो आपकी शिफ्ट ख़त्म हो रही है, आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो दूसरे की जान को भी खतरा हो सकता है, जान माल दोनों को खतरा हो सकता है। हो सकता है कि एक वो बड़ा ब्लास्ट हो जाए, आग लग जाए, दूसरे किसी की डेथ हो जाए, तो इन सब चीज़ें ना हो, क्योंकि एक मशीन को रिपोर्ट करना बेटर है इंस्टेड कि भाई किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। हम लोग अधिकतर नहीं करते हैं, ठीक है, इवन अगर आपकी नाइफ भी टूट रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट करनी है, ठीक है ना। और अगर आप ये रिपोर्ट करते हो तो आप मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करो। हर कोई कंपनी चाहती है, देखिए अगर जब हम किचन में काम करते हैं, सामान नया भी आएगा, टूटेगा भी, इट्स कॉमन, चलता रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मैंने आज कोई एक कंपनी ने कोई एक सामान खरीदा है तो वो जिंदगी भर चलेगा, ठीक है ना। हर चीज़ अपग्रेड होती है, मशीनरीज होती है, हमारे जो जैसे मिक्सर जूसर होते हैं टूटते रहते हैं, बट आपको रिपोर्ट करनी है, तो रिपोर्ट करोगे तो पता चलेगा कि भाई की मशीनरी अच्छी है कि नहीं है, या कोई दूसरी मशीन लेनी चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप एक अच्छा काम कर रहे होते हो, तो आपको यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स ख़राब हो रहे हैं उनकी जो भी रिपोर्टिंग है वो अपने सुपरवाइजर्स को करनी है, या आपके इधर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस पर्टिकुलर चीज़ को देखता है, ठीक है। अलग अलग होटल्स में डिपार्टमेंट होते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो उनको आपको रिपोर्ट करनी है, साथ साथ आपको अपने सुपरवाइज़र को भी इन्फॉर्म करना है। अब सबसे लास्ट यहाँ पे छठा पॉइंट है, वो है हमारी किचन लॉग बुक। आप लोगों ने देखा होगा डायरीज आपके किचन के अंदर रहती हैं, जो कि अधिकतर सिर्फ आपका CDP या सुशे भर रहा होता है, बाकी लोग तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, अधिकतर ऐसा ही होता है, बट Comi 1 को ध्यान देना चाहिए। उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है या क्या क्या लिखा होना चाहिए, नहीं लिखते हैं तो लिखिएगा, और लिखते हैं तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको भी इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। आपकी जो भी सेल्स है, आपकी एक तारीख की जो भी सेल्स है आपको वो लिखनी है, अगर आप काम कर रहे हो रेस्टोरेंट में लिखिए। दूसरे आपकी जो अटेंडेंस है, आपके बंदे कोई आए हैं नहीं आए, कोई अब्सेंट है, किसी की इमरजेंसी किसी ने रिपोर्ट करा है, वो सारी की सारी चीज़ें लिखिए। कोई कंप्लेंट हुई है गेस्ट की तरफ से, वो सारी की सारी लिखिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको मेंशन करनी चाहिए और वो दूसरे शिफ्ट को पता चले। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला पहले शिफ्ट हैंडओवर में, वहाँ तो आप अपनी चीज़ों का हैंडओवर कर रहे थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो कि दूसरे लोगों को सबको पता होनी चाहिए। यहाँ तो आपने अपने डिपार्टमेंट वाले को बता दिया, पेंटर ने पेंटर को बता दिया, कॉन्टी ने कॉन्टी को बता दिया, पर ऐसी चीज़ें जो कि बाकी सबको पता चलनी चाहिए, इवन दूसरे डिपार्टमेंट को, ठीक है, चाहे वो सर्विस हो, हाउसकीपिंग हो, तो वो आपकी लॉग बुक आके देख सकता है कि भाई ये जरूरी इन्फॉर्मेशन है, तो ये काम Comi 1 को करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपनी किचन लॉग्स के अंदर लिखना है। इवन इस किचन लॉग बुक को लेके आपको आपके एग्जीक्यूटिव शेफ के पास भी आना चाहिए प्रतिदिन, क्योंकि वो भी अलग अलग एक मीटिंग करता है, जो कि आप लोगों की शेफ लोगों की मीटिंग होती है, और वो उसमें चेक करता है आपकी और नीचे साइन मार देता है पर डे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, नहीं हो रहा तो आपको ऐसी शुरुआत करनी चाहिए। अपने शेफ को भी बताइए, भैया शेफ़ की वीडियो देखिए, धीरे शेफ़ की वीडियो देखिए, वो नई नई चीज़ें बताते हैं वहाँ पे, आपको इम्प्लीमेंट करनी है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।